नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। बिहार विधानसभा चुनाव का दौर जारी है, ऐसे में जो बिहार में दो चरणों का मतदान है वो संपन्न हो चुका है और जो तीसरे चरण का मतदान है वो 7 नवंबर को होना है। ऐसे में जो नेता हैं वो तैयारियों में जुटे हैं, लगातार चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, साथ ही साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार किशनगंज के कोचाधामन में पहुंचे हैं, जहां अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार भारी मतों से उन्हें विजयी बनाएं। साथ ही साथ नीतीश कुमार विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि हमने बिहार को क्राइम मुक्त बिहार बनाया है। अगर पिछले 20-25 साल पहले की बात कर ले तो बिहार में क्राइम कितना था ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन अब जो है बिहार क्राइम के मामले में 23वें स्थान पर है, ये बहुत खुशी की बात है। विशेष क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, आप खुद सुनिए। इस बार का जो चुनाव है, कोरोना की बीमारी जो दुनिया भर में फैली है, उसी बीच में जो चुनाव हो रहा है, तो उसमें बहुत कम समय चुनाव आयोग ने रखा है चुनाव प्रचार के लिए, और इसके लिए 3 हिस्से में चुनाव, 2 हिस्सा हो चुका, अब 1 हिस्सा 7 तारीख को बचा। चाह कर भी सब जगह नहीं जा सके हैं, कुछ ही जगहों पर जा पा रहे हैं, लेकिन आपके बीच आने का हमको पुनः मौका मिला है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और हमारे साथियों ने सब तरह की बातें कह दी, भाई एक एक बात जान लीजिए, और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता है, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा, ऐसा इस देश में किसी भी दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा साहब, ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। हम तो, आपने जब से मौका दिया है, आप बताइए, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा किया, सबको एकजुट करने की हमने कोशिश की है। कुछ लोग चाहते हैं समाज में झगड़ा चलता रहे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, और हम तो काम करते रहते हैं, और हमारा मकसद यही है कि जब सब लोग प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना के साथ रहेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। तो हम लोग तो यही काम करते हैं, आप तो सब लोगों ने बता दिया है, भाई हम तो आपको यही कहेंगे कि हम लोग तो इतने दिनों से, आप देख लीजिए क्या बुरा हाल था, हमारे साथियों ने बता दिया, शाम होने के बाद तो कोई घर से बाहर निकलने का हिम्मत नहीं करता था, कहीं कोई जाना चाहता था तो कितना समय लगता था। हम लोगों ने एक एक काम किया, कानून का राज कायम किया, और जान लीजिए पहले जितना क्राइम होता था और अब उसमें कितनी कमी लाई, वैसे तो कोई संभव ही नहीं है, आदमी का कुछ का स्वभाव होता है, बाएं दाएं गड़बड़ सड़बड़ करता रहता है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जो इस पर बहुत हद तक काबू पाया गया, और आज जो पूरे देश का, हर राज्य का अलग अलग अपराध का, जो क्राइम का है आंकड़ा, फिगर प्रकाशित होता है, उसके हिसाब से जान लीजिए जो सबसे हाल का फिगर है, बिहार क्राइम के मामले में, अपराध के मामले में, इस देश में इतनी बड़ी आबादी के बावजूद 23वें नंबर पर चला गया है, ये इतना क्राइम का कंट्रोल हम लोगों ने किया है। और इसके अलावे जो डेवलपमेंट का काम, विकास का काम, आप समझ लीजिए देश में सबसे अधिक विकास का दर है, 12.84%